डैरेन सैमी ने कुछ कहा है और वो चाहते हैं कि आप लोग उन्हें सुने। डैरेन सैमी ने अपने आईपीएल टीम मेंबर्स को कहा है कि मैंने सोचा है कि तुम लोग मेरे भाई जैसे हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे जिस नाम से बुलाया है उसमें तारीफ करने वाला कोई भाव नहीं था, बल्कि वो एक नस्लीय शब्द था। मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि वो शब्द क्या था और उसमें चेंज ला सकें। सैमी को उनके टीममेट्स ने कालू बुलाया था। ये बात ईशान शर्मा के 2014 के इंस्टाग्राम पोस्ट से साबित भी होती है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान ने ये सारी बातें एक वीडियो जारी कर कही है। वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टीममेट्स पर कभी शक नहीं किया, वो भी तब जब इस शब्द के बोले जाने पर आसपास के सारे खिलाड़ी हंसने लगते थे। कई भारतीयों ने याद दिलाया कि सैमी ने खुद लक्ष्मण के बर्थडे ट्वीट में खुद के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लिखा था कि ओ रिमेम्बर डार्क कालू, लेकिन सैमी को लगा था कि इसका मतलब घोड़ा होता है। सैमी ने तो बता दिया है कि उनको इस शब्द का क्या मतलब पता था, लेकिन बाकी किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया है कि उन्होंने जब ये शब्द इस्तेमाल किया था तो उनका इस शब्द से क्या आशय था। लेकिन ये बात साफ है कि इस बात के लिए हमें खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। सैमी के इस वीडियो जारी करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि ये शब्द बहुत हंसी मजाक में इस्तेमाल होता है, मेरी माँ खुद मुझे कालू बुलाती है, भारत में ये बहुत कॉमन है यार। और ये भी कहा गया कि कालू हमेशा नस्लीय शब्द के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, भारतीय परिवारों में संबोधन में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, निर्भर करता है कि इसको कहे जाने का संदर्भ क्या है। हाँ, ये नस्लीय हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। सैमी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अगर ये नस्लीय टिप्पणी हो सकती है तो मुझे नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर इससे भी बात साफ नहीं होती है तो आपको ESPN क्रिक इन्फो पर डैरेन सैमी का ऑडियो इंटरव्यू सुनना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि और भी ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि खिलाड़ियों को अब ये स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। सैमी ने कहा कि मेरे लोग जिन्होंने 400 साल तक दास प्रथा को झेला है और फिर भी उन्हें ये स्वीकारना पड़ता है, दूसरी तरफ के लोग क्यों नहीं बदलते और हमें अलग तरह से क्यों नहीं देखा जाता। एक शब्द जो आप लोगों के लिए बहुत सामान्य हो गया है उसके खिलाफ लोगों ने पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ी है। भारत में सिर्फ रंग के आधार पर ही नहीं, हमने जाति धर्म बनावट के आधार पर भी संबोधनों का इस्तेमाल किया है। आपने भी किया है और मैंने भी किया है, बचपन से हमने किसी न किसी को ये करते हुए देखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी आंख खोलने की कोशिश कर रहा है और आपको बदलने के लिए कह रहा है तो हमें भी कम से कम कोशिश करके देखनी चाहिए। किसी ने कहा कि मेरी माँ मुझे कालू नाम से बुलाती है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आप अपनी माँ से प्लीज इस बारे में बात कीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे मेरे नाम से बुलाइए, क्योंकि आपके इस कालू कहने से कई लोगों को बुरा लग सकता है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, तो उन्हें प्यार से बिठाइए और इसके बारे में समझाइए। लेकिन उन क्रिकेटर्स को क्या कहा जाए जो इस पूरे मसले पर चुप हैं, खासकर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह जो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि साथी क्रिकेटरों को नाम देना आम बात है, इसके लिए बुरा मान जाना और माफी मांगने के लिए कहना बेवकूफी है। सैमी ने भारत में इतना क्रिकेट खेला है, उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह की हंसी मजाक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। नहीं सर, तमाशा तो ये है जो आप कर रहे हैं, आप एक खिलाड़ी को वो कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो कि गलत है, हमें बेहतर उदाहरण पेश करना चाहिए। बहुत अच्छा होता कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से विराट कोहली ट्वीट करते और स्वीकारते कि गलत था, हालांकि वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं। कितना अच्छा होगा कि सौरभ गांगुली सैमी को फोन कर लें और कहें कि उनके साथ अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई क्रिकेट में वर्ल्ड लीडर बनेंगे।